देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात वही है, उनके कोच मिकी आर्थर का वो बयान बहुत हैरान करने वाला है कि दिल दिल पाकिस्तान क्यों नहीं बजा। ये आईसीसी का नहीं, बीसीसीआई का इवेंट हो गया है। मतलब ये माइंड बॉगलिंग है। इसमें हमारे को धुलाई करने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तान में इतनी धुलाई हो रही है उनकी। वसीम अकरम पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ कुलदीप यादव और जडेजा को खेलने का क्या प्लान बनाया था, ये छोड़ो। और जिस तरह से आजकल मैं कहता हूँ ना, सोशल मीडिया पर लोग आपको बख्शेंगे नहीं। एक यूजर ने कल लिखा कि इंग्लैंड की टीम ने कहा है, इंग्लैंड की टीम ने, मजाक में उन्होंने कहा, इंग्लैंड की टीम ने कहा है कि दिल्ली के स्टेडियम में अफगान जलेबी बज रहा था, एल्टन जॉन नहीं बज रहा था, इतने मारे। तो ये इतना अजीबोगरीब कमेंट था मिकी आर्थर का, मुझे तो लग रहा है उनसे कहलवा के भेजा होगा टीम मैनेजमेंट ने, किया ऐसा कुछ जाके बोल दो पाकिस्तान। मुझे कपिल भाई ये मिक्की आर्थर का स्टेटमेंट देखकर अपने वो मिक्की भैया याद आ गए, जो कहते हैं कि डीजे से वो कहते हैं मेरा वाला गाना बजाओ। तो ये मिक्की भैया ये डीजे के मतलब ये कल को ये कोचिंग छोड़ करके ये डीजे बनना चाहते हैं कि कौन सा गाना बजना चाहिए कौन सा गाना नहीं बजना चाहिए। सही में बहुत हैरान करने वाला पाकिस्तान का ये रवैया रहा है। और जैसा कि आपने कहा, अब खेलना बड़ी टीमों से, तो और ऑस्ट्रेलिया आपसे ये कह रहा होगा कि भैया एक दिन के लिए हम 10वें पॉइंट पर क्या रहे, आपने स्क्रीनशॉट ले लेके 10वें नंबर की टीम हमको बता दिया, तो हम इतनी खराब टीम भी नहीं है, अभी हम कमबैक कर सकते हैं। और श्रीलंका ये कह रही होगी कि हर टीम के पहले तीन मैचेस में एक नीदरलैंड था, एक अफगानिस्तान था, और हमारे रख दिए न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। भगवान माफ करेगा नहीं तुमको शेड्यूल बनाने वालों, लेकिन कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कभी रूल आउट नहीं करूंगा। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आ सकता है। और पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, बड़ी उनकी दिक्कत ये दिखाई दे रही है कि जो हम बात कर भी चुके हैं, दो बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं और जो उनके स्पिनर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो तो जॉन सीना हो गए हैं। लेकिन क्योंकि कपिल भाई ने मिकी आर्थर की बात करी, मिकी आर्थर का स्टेटमेंट बता देते हैं। मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, और ये ना ये इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो वर्क फ्रॉम होम पर भी कई बार काम करते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान को घर से बैठकर कई बार ट्रेनिंग देते हैं, ज़ूम कॉल पे डर्बी शायर में बैठते हैं। तो जो मिकी आर्थर का जो स्टेटमेंट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये मैच आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं लग रहा था, ये द्विपक्षीय सीरीज की तरह लग रहा था, ये बीसीसीआई के इवेंट की तरह लग रहा था। ये वो बयान है जिसमें हार की हताशा है और टीम की हैसियत से देखने आने वाले सपने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अहमदाबाद स्टेडियम में स्पीकर या माइक्रोफोन पर दिल दिल पाकिस्तान की आवाज नहीं सुनी। ये जरूर एक भूमिका निभाता है। मिक्की भाई क्या कर रहे हो। मिक्की भाई ने वैसे और भी स्टेटमेंट दिए हैं, और अजीब स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय टीम बहुत ही शानदार टीम है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो सही बात करी मिक्की भाई ने। कहते हैं, मुझे लगता है कि राहुल और रोहित की देखरेख में टीम इंडिया अच्छा कर रही है। अच्छा। लेकिन आगे इनका स्टेटमेंट सुनाते हैं। कहते हैं, उनकी टीम मजबूत है, मुझे लगता है उन्होंने सारी कमियां दूर कर ली है, मैं उनसे फिर से फाइनल में भिड़ने के लिए उत्सुक हूँ। अरे मिक्की भाई, उसके लिए फाइनल में आना तो पड़ेगा, सेमीफाइनल में आना पड़ेगा, पहले भी आना पड़ेगा। उसके लिए आपको मजबूत टीमों को हराना पड़ेगा। मिक्की भाई, ये कौन सी बात है, ये कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो मिक्की भाई। कुल मिला के 6 मैच बचे हैं पाकिस्तान के। हाँ। उसके अंदर आपको साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, आपको न्यूजीलैंड से भी खेलना है, ऐसे कैसे हो पाएगा भैया। और कपिल भाई को ले आते हैं, कपिल भाई से बात करेंगे और मिक्की भाई के बारे में। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिक्की आर्थर का ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में वसीम अकरम ने, बाकी सारे लोगों ने इतनी जबरदस्त लताड़ लगाई है उनको, जबरदस्त लताड़ लगाई है मिकी आर्थर को, कि आपके बोले कि कुलदीप को कैसे खेलना है ये बताना है, क्या बात बता रहा है कि गाने कौन से बजने दिल दिल पाकिस्तान बजता तो आप क्या रविंद्र जडेजा को छक्के मार देते वहां पे, यार ये कैसी बात है। कपिल भाई को बुला लेते हैं इस डिस्कशन में। कपिल भाई, अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना है कि ये मिक्की आर्थर के ऐसे स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल हताशा दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब एक ग्रेस भी होती है, आदमी जब इतनी बुरी तरीके से हारता है तो वो शायद ये बताता है कि यार हमारी ये कमी रही, अभी टूर्नामेंट लंबा है, 3 मैच में से हमने एक ही हारा है, आगे हम हरा लेंगे, सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। ये कह रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। भाई कहां बजता है दिल दिल पाकिस्तान, मुझे तो और इंडिया में बजा। हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बजा दे। कौन से सपने देख रहे हैं मिक्की भाई। देखिए, जब आपको डर लगने लग जाता है ना कि 1 तारीख को $1,000 जो आ रहे हैं वो क्रेडिट होने बंद हो जाएंगे, फिर कोई टीम कोचिंग रखेगी नहीं, आईपीएल में कोई कोच के लिए पूछेगा नहीं, तब आप इस तरह के स्टेटमेंट देने लग जाते हो। तो उनको अंदाजा हो गया है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करने जा रही है तो उनको थैंक यू होने वाला है, उनकी जो है ना पर्ची उनको पकड़ा दी जाएगी। तो बहुत हैरान करने वाला है। और पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से हारी है तो लोग यही कह रहे हैं कि कोई फाइट ही नहीं है अब हमारी इस टीम से। वो एक और जमाना था जब कांटे की टक्कर हुआ करती थी पाकिस्तान से, अब नहीं। अब पाकिस्तान पर हम हर तरह से, हर डिपार्टमेंट में हावी दिखाई दे रहे हैं।